afternoon. This is Meenu Simran Kaur from Gateway News. Today I am here at Aghni Nagariya, Aligarh UP village for a noble cause. And I am here with Webmobile Group of Companies in collaboration with Bridge Care Foundation, who are setting up a free cost of computer lab for villagers in this school. So, आइए मिलते हैं कुछ ग्रामीण लोगों से, बच्चों से और शिक्षकों. आज मैं मिस्टर सुनील गौतम जी के साथ हूँ. सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा. सर, क्या करते हैं आप? मैं सहायक अध्यापक हूँ प्राथमिक विद्यालय मधुबनी. ओके सर, आप कंप्यूटर लैब लगने के बाद आप अपने यहाँ के बच्चों का क्या भविष्य सोचते हैं और उनके लिए क्या चाहते हैं? देखिए, कंप्यूटर बच्चों के लिए बिल्कुल एक नई मशीन थी, और कंप्यूटर लगने के बाद आज जो कंप्यूटर प्रयोग ऐसा महसूस करते हैं कि हर बच्चा इससे लाभान्वित होगा. भविष्य में कंप्यूटर का ही ज़माना है. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो गणितीय और तार्किक क्रियाकलापों का सफलता से संपादन करता है. यह आंकड़ों को लेता है और डेटा के जरिए इच्छा अनुसार उसे सूचना के रूप में प्रस्तुत करता है. बच्चे इससे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे, और जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, बेसिक शिक्षा के बच्चे हैं, उनके पास अभी कंप्यूटर की सुविधा नहीं थी. जो हमारे प्राइवेट संस्थान हैं उनमें कंप्यूटर की सुविधा थी, तो हमारे बच्चे आपके सहयोग से कंप्यूटर लैब जब स्थापित हुआ है, तो उनसे एक प्रतिस्पर्धात्मक रूप से कार्य करते हुए भविष्य में सदैव सफलता की ओर अग्रसर होंगे और अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे. थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर विद गेटवेल न्यूज़, ब्रिज केयर फाउंडेशन एंड वेब मॉब्रिल.